बुढ़िया और नाग की कहानी। शादीशुदा महिलाएं जरूर सुने, परिवार में कभी झगड़ा नहीं करोगी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी, जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। भाइयों, ये कहानी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा कि घर परिवार की महिलाएं अक्सर लड़ाई झगड़ा में ज्यादा लगी रहती हैं। कभी किसी बात को लेकर के लड़ाई, कभी किसी बात को लेकर के लड़ाई ठनी रहती है, अर्थात आपस का महाभारत खत्म नहीं होता, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है। तो उन स्त्रियों के साथ साथ परिवार के पुरुषों को भी नुकसान और दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं जिस घर परिवार की महिलाएं आपस में लड़ती हैं, कलह करती हैं, तो उस घर का सुख शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, अर्थात चला जाता है, बसरती उस घर में कभी बरकत नहीं होती, अनेक समस्याओं में वह घर उलझ जाता है। तो उन महिलाओं से निवेदन करूंगा जो आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं, वो इस कहानी को पूरा सुन लें। तो हमें आपसे आशा है और उम्मीद है कि आप अपने घर परिवार में झगड़ा नहीं करोगी और आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां बरसने लगेंगी। ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी के लिए आप पूरा सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक निवेदन और करता हूं, कहानी सुनने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस बुढ़िया और नाग की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके दो बेटा थे, पति उसका खत्म हो चुका था, केवल दो ही बेटा थे, तीन प्राणी घर में थे, थोड़ी सी जमीन थी, ज्यादा जमीन नहीं थी। उसी जमीन के लिए बुढ़िया अपने बेटों के साथ में किया करती थी। बेटा उसके जो दो थे वो बहुत ही मेहनती थे, उन तीन प्राणियों की उसी थोड़ी सी जमीन से गुजर बसर चल रही थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरा, बेटे जब जवान हो जाते हैं, विवाह के लायक हुए, तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों का विवाह भी कर लिया। दो बहुएं घर में आ जाती हैं। कुछ दिन तक तो बहुएं आराम से रहीं, प्रेम से रहीं, फिर उन बहुओं में भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई, आपस में झगड़ा प्रारंभ हो गया। कभी किसी बात को लेकर के झगड़ा शुरू हो जाता था, कभी किसी बात को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। बड़ी बहू छोटी से कहने लगी कि तू ऐसा करती है, वैसा करती है, तूने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। इसी बात को लेकर के बड़ी बहू छोटी बहू से उल्टा सीधा कहती है, लड़ाई लड़ती है। और किसी दिन छोटी बहू का जब मौका लगता है तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठती है और कहती है कि तूने हमारे साथ क्या कर दिया, तूने हमारे साथ ये नुकसान किया, वो किया, हमें ये परेशानियां दी, ये कष्ट दिया। इसी बात को लेकर के छोटी वाली बहू बड़ी बहू से लड़ती है। रोज प्रतिदिन का काम बन गया, किसी न किसी बात को लेकर के उन बहुओं में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वह जो बूढ़ी माता थी, वह बहुओं की लड़ाई को देख करके बड़ा परेशान होने लगी, सोचने लगी कि हमारी बेटों की जो दो बहुएं हैं बहुत ही लड़ती हैं। अपने बेटों से कहा, बेटों ने समझाया, लेकिन दोस्तों बुढ़िया ने विचार किया कि हम तीन लोग जब घर में थे तो इस थोड़ी सी जमीन से हमारा गुजारा चल रहा था, और हमें लगता है कि अब हम पांच लोग हो गए हैं और हमारी बहुओं का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए शायद ये लड़ाई हो रही है। तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम परदेश में चले जाओ, कई नौकरी ढूंढ लो और पैसा कमा करके लाओ, हो सकता है ये लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि जब घर में पैसा आ जाएगा, जरूरतें पूरी होने लगेंगी, तो लड़ाई आपस में लड़ना ये बहुएं बंद कर देंगी। दोस्तों दोनों बेटों ने बुढ़िया की बात को मान लिया। बुढ़िया से आज्ञा लेने के बाद, अपनी पत्नियों को समझाने के बाद, वे दोनों भाई जो थे पैसा कमाने के लिए परदेश में चले जाते हैं।
लेकिन दोस्तों उन दोनों बहुओं की देवरानी जेठानी की लड़ाई फिर भी शांत नहीं हुई। तो बुढ़िया ने एक दिन बड़ी बहू से कहा कि बहू तुम बड़ी हो, वो तुमसे छोटी है। बेटा हमारे जो तुम्हारे पति हैं वो परदेश पैसा कमाने के लिए गए हैं और तुम आपस में यहां लड़ाई लड़ती हो। अरे वो तुमसे छोटी है तो थोड़ी सी बात उसकी सहन कर लिया करो, क्योंकि कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटे न को उत्पात, यानी अगर छोटे गलती कर जाए तो उनको क्षमा करो और उन्हें समझाओ तुम बड़ी हो। दोस्तों अपनी सासू यानी बुढ़िया की ये बात को सुनकर के बड़ी बहू क्रोध में जल उठी और कहने लगी कि आप तो छोटी की तरफदारी कर रही हो, आप उसका लड़ने के लिए और मनोबल बढ़ा रही हो, अगर ये वो सुनेगी तो वो और ज्यादा लड़ेगी, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटे न को उत्पात, यानी वो ये सुनेगी तो और ज्यादा उत्पात करेगी, हमें परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका देती थी, उससे कुछ भी नहीं कहती। बुढ़िया ने कहा बहू आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, क्योंकि पहले बड़े को ही समझाना चाहिए उसके बाद छोटे को समझाना चाहिए, मैं तुमको समझा रही हूं और छोटी को भी समझा दूंगी। दोस्तों बुढ़िया की बात को सुनकर के बड़ी बहू ने थोड़ा मुंह खराब कर दिया और वह चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास में जाकर के बुढ़िया समझाती है और कहती है कि देख छोटी वो तुझसे बड़ी है तू छोटी है, तू इस तरीका से काहे को लड़ती है, झगड़ा क्यों करती है, तेरा पति यानी हमारा बेटा यह घर पर नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं और तुम लोग यहां लड़ रहे हो, लड़ना अच्छी बात नहीं है, आराम से रहिए प्रेम से रहो। छोटी ने भी वही बात कही कि अरे बुढ़िया माई तू बड़े की तरफदारी कर रही है और हमें समझाने आई है, ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत कर और नहीं तो मैं तेरा भी अपमान कर दूंगी, तो ही बची है तो मैं तुझको भी नहीं छोड़ूंगी, तुझसे भी लड़ूंगी और अवश्य लड़ूंगी अगर मुझे समझाने की ज्यादा कोशिश करेगी प्रयास करेगी। दोस्तों बुढ़िया जो थी वहां से चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, वो ये मानेंगी नहीं, इन्हें समझाओ तो ये उल्टा हमसे सवाल करती हैं, हमसे लड़ने की बात कर रही हैं। बुढ़िया ने विचार किया इससे तो अच्छा यही है कि अपनी यदि इज्जत बचानी है तो इन्हें समझाना भी बंद कर दो, और नहीं तो एक दिन ये दोनों हम पर हावी हो गई तो हाथ वगैरह उठा देंगी, कहीं पीटने लग गई तो हमारी इज्जत तो गई, इसलिए इन्हें अब समझाना भी बंद कर दो। दोस्तों अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू कर दी। तब बुढ़िया ने क्या किया, एक फट्टा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई और कह गई कि आप लोग लड़ते रहिए, मैं यहां रुकूंगी ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी बात को मानोगी नहीं, लड़ती ही चली जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी लड़ाई को क्यों सुनूं, मैं अपने घास काटने के लिए जंगल में जाती हूं और शाम को लौट करके आऊंगी, आराम से तब तक खूब लड़ लेना। दोस्तों इतना कहने के बाद वह बुढ़िया जो थी घास काटने के लिए जंगल में चली जाती है और शाम को आ जाती है, तब तक उन लोगों की लड़ाई खत्म हो जाती है। इसी तरीका से जब अगला दिन होता है उनकी लड़ाई प्रारंभ होती है तो बुढ़िया अपना फट्टा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, बुढ़िया जब जंगल में घास काटने के लिए जा रही थी और घास काट रही थी तो उसी समय उसके पास में एक बहुत विशाल नाग आ जाता है, बहुत विशाल सर्प आ गया, और जब सर्प आया बुढ़िया ने देखा तो बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। बुढ़िया सोचने लगी आज हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं, ये नाग हमको खा ही लेगा। बुढ़िया जब डर की वजह से कांपने लगी तो वह नाग जो था मनुष्य की भाषा में बोलने लगा और कहने लगा कि हे बुढ़िया माई तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, मैं तुमसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए आया हूं कि मैं बहुत दुखी हूं परेशान। नाग ने जब मनुष्य के भाषा में बुढ़िया से यह कहा तो बुढ़िया के दिल में कुछ तसल्ली आई, बुढ़िया ने गहरी सांस ली और सोचा ये नाग मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है, लगता है अब तो कुछ दाल में काला है। तब बुढ़िया ने पूछा नाग देवता बताइए क्या परेशानी है, आपको क्या कष्ट है। तब नाग कहने लगा कि हे बुढ़िया माई मैं कई दिनों का भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, और अगर आपने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं बिल्कुल मरने के कागार पर पहुंच चुका हूं, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे उनका देहांत हो चुका है, वो एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध हमको पिलाते थे और स्वयं पीते थे,
मैं उनके आश्रम पर बहुत प्रसन्न था, लेकिन हमारा पालन करने वाले, हमको दूध पिलाने वाले हमारे ऋषि जो थे, भगवान को प्यारे हो गए, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उस गाय के लिए कोई दूहने वाला नहीं है, उसका दूध निकालने वाला कोई नहीं है जो मैं सेवन कर सकूं। गाय तड़प रही है भाई, आश्रम के चारों ओर घूम रही है, और मैं भूखा प्यासा तड़प रहा हूं कि मेरे लिए कोई दूध पिला दे। हे बुढ़िया माई, बड़ी कृपा होगी, हमारे प्राणों को बचा लीजिए और थोड़ा सा हमें कहीं दूध मिल जाए तो हमको पिला दीजिए। दोस्तों, नाग की जब ये विनती सुनी है तो बुढ़िया के लिए दया आ गई, बुढ़िया के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, नाग देवता घबराइए नहीं, आज तो मैं आपके लिए दुग्धपान नहीं करा सकती हूं, कल जब मैं घास काटने इसी समय आऊंगी तो आप आना, मैं आपके लिए दूध लेकर के आऊंगा और जरूर पिलाऊंगा। दोस्तों, बुढ़िया नाग देवता से इतना कहने के बाद में घर चली आती है, और अगला दिन जब होता है तो रोज की तरह जो दोनों बहुएं थी, देवरानी और जेठानी, वो लड़ने के लिए तैयार हो गई और लड़ने लगी। इधर बुढ़िया ने विचार किया, मैं किसके घर से दूध को लेकर के जाऊं, बड़ी के घर से जाती हूं तो उसने देख लिया तो वो हमसे लड़ेगी, छोटी वाली के घर से दूध ले जाती हूं तो उसने देख लिया तो वो लड़ेगी, मैं किसके घर से लेकर के जाऊं। फिर उसने विचार किया, चलो एक दिन बड़ी वाली के घर से चुरा करके दूध ले जाया करूंगी और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से ले जाया करूंगी, इसलिए इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा और मैं सर्फ के लिए दूध पिलाती रहूंगी। दोस्तों, वही हुआ, बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा दूध लिया और दूध को लेकर के फट्टे में छिपा करके और घास लेने के लिए वहां से चल जल, और वही घास काटने के लिए पहुंच जाती है, घास काटने लगती है, तब तक वही नाग आ जाता है और कहता है कि बुढ़िया माई, मेरे लिए कुछ दूध लेकर के आई है। जवाब दिया नाग देवता, हाँ लेकर के आई। दोस्तों, उस बुढ़िया ने उस नाग के लिए दूध पिलाया, और जब नाग ने दूध पी लिया तब उसके आत्मा में कुछ तृप्ति हुई, उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, बूढ़ी माँ, आपने आज हमारी जान बचा ही ली, आपने मेरे ऊपर बहुत परोपकार किया है, मैं आपके इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, बुढ़िया ने कहा कि हे नाग देवता, आप तो एक नाग हैं, कल तो मैं आपसे नहीं पूछा, कल तो आपसे मैं घबराई हुई थी, लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं कि आप मनुष्य की आवाज में किस तरीका से बोल रहे हैं, आप नाग देवता हैं या कोई और है, कौन हैं आप? दोस्तों, तब नाग कहता है कि बुढ़िया माई, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूं, मैं एक राजा का बेटा हूं, लेकिन किसी के श्राप से मैं नाग बन गया हूं, और 21 साल के बाद मुझे फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, जिन 21 सालों को पूरा होने के लिए कुछ ही समय बाकी रह चुका है और मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, नाग ने अपनी सारी दास्तान बुढ़िया को समझा दी, बुढ़िया समझ जाती है। इसी तरीका से बुढ़िया जो है वो अपनी बहुओं के घर से दूध को छिपा करके ले आती है, कभी बड़ी वाली के घर से लेकर के आती है, कभी छोटी वाली के घर से लेकर के आती है और उस नाग के लिए पिलाती है। नाग रोज आ जाता है और बुढ़िया माई के हाथों से दूध पी जाता है। इस तरीका से नाग के प्राण जो थे वो बुढ़िया ने बचा लिए। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, उन बहुओं ने आपस में विचार किया, एक दूसरे से कहा, छोटी ने बड़ी से कहा कि हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, हमारा दूध कम कैसे हो जाता है, हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी वाली ने भी कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है, हमारे दूध को लगता है कोई चुरा लेता है, और फिर चुराने के लिए कौन आएगा हमारे घर में। फिर उन्होंने विचार किया, केवल बुढ़िया जो है वो रसोई घर में जाती है, केवल ये बुढ़िया ही तो रसोई घर में जाती है और तो कोई जाता ही नहीं है, फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है, पड़ोसी हमारे घर में आता नहीं है। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी चलिए छिप करके देखते हैं कि बुढ़िया कैसे दूध को चुराती है। दोस्तों, अगला दिन जब होता है तो बुढ़िया रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है, और दोनों जो थी वो छिप करके देख रही थी। बुढ़िया ने बड़ी वाली के घर से दूध को लिया और फट्टे में छिपाया और घास के बहाने और घास लेने के लिए जंगल की ओर चल दी। इधर दोनों बहुएं देख रही थी, तब छोटी वाली ने कहा कि चलिए देखते हैं कि ये बुढ़िया दूध को लेकर के जंगल में कहां जाती है और किसे पिलाती है। बुढ़िया जंगल की ओर चलती चली गई, पीछे पीछे छिप करके दोनों बहुएं देखने के लिए चली गई।
इधर बुढ़िया उसी जगह पर पहुंची जहां घास काटती थी, जहां नान रोज दूध पीने के लिए आया करता था। बहुएं दूर से छिप करके देख रही हैं, क्या देखती हैं कि बुढ़िया के पास में वही नांग आता है। तब बुढ़िया उस नांग को दूध पिलाने लगती है, नांग दूध पीने लगता है। दोस्तों बहुओं ने जब ये देखा कि बुढ़िया नांग को दूध पिला रही है, और ये नांग तो बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, ऐसा नांग तो हमने कभी नहीं देखा, दोनों बहुएं घबरा गई, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। लगता है ये नांग कोई मायावी है और ये बुढ़िया भी इसकी कोई साथिन है जो हमारी सासू है। लगता है ये बुढ़िया चुड़ैल है, कोई डंकनी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ये बुढ़िया एक दिन खा जाए, हमारे बच्चों को खा जाए, हम इसको आज घर में नहीं घुसने दूंगी। दोस्तों ये निर्णय लेने के बाद में दोनों बहुएं जो थीं वो अपने घर चली गई। इधर बुढ़िया नांग को दूध पिलाती है और घास को लेकर के अपने घर की ओर चल देती है। और घर की ओर जब चली, घर पर पहुंची है तो किवाड़े बंद थी और दोनों बहुएं जो थी डंडा लेकर के भीतर खड़ी हुई थी। जाकर के बुढ़िया माई ने जब कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुएं ने गेट खोल दिया। क्या देखा है बुढ़िया ने कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांध करके खड़ी हुई हैं और डंडा उनके हाथ में है। बुढ़िया ने देखा और कहा कि बहू ये क्या माजरा है, ये क्या वेशभूषा बना रखा है, ये हाथ में डंडा क्यों लिए खड़ी हुई। तब दोनों बहुएं कहने लगी, एक साथ बोली कि अरे बुढ़िया तू चुड़ैल है, तू डंकनी है, तू हमें किसी दिन खा जाएगी, हमारे बच्चों को मार देगी। बुढ़िया ने कहा अरे बहू का पागल हो गई हो, मैं चुड़ैल क्यों हूं, मैं डंकनी का एक हूं, अरे मैं क्या कोई डायन हूं जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो हमारे पोता पोती हैं जो हमारे बेटों से भी प्यारे हैं, और तुम कैसी बातें कर रही हो। तब सारी बात कही है दोनों बहुओं ने, तुम एक नांग को दूध पिलाती हो, हमारे घर से चुरा करके ले जाती हो, और इतना विशाल नांग है, लगता है वो कोई मायावी है और तुम भी उसके साथ में हो, तुम कोई चुड़ैल हो, डंकनी हो, डायन हो, और हम तुम्हारा विश्वास कदापि नहीं कर सकते। आज के बाद तुम्हारी इस घर में कोई एंट्री नहीं है, कोई प्रवेश नहीं है, और जबरदस्ती की तो यहां से जिंदा बच करके नहीं जाओगे। इसलिए अच्छाई तो इसी में है कि बुढ़िया तू यहां से सीधे वापस चली जा, कहीं भी जा, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। बुढ़िया ने बहुत सफाई दी। बुढ़िया ने कहा तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा घर है, हमें अंदर आने दे। दोस्तों परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया के लिए घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती भी की तो एक एक डंडा बुढ़िया के उन बहुओं ने जमा दिया और उसे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था, रात हो चुकी थी। अब बुढ़िया रोने लगी, कहने लगी कि मैं इतनी रात में कहां जाऊंगी। तो बहुओं ने कहा कहीं भी जाओ, कहीं भी मरो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और इतना कहने के बाद में भाइयों उन बहुओं ने दरवाजा अपना बंद कर लिया। दोस्तों बुढ़िया रोती रही, फिर उसने विचार किया अब रोने से क्या फायदा, कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढा जाए। तो दोस्तों उसके लिए कहीं जब ठिकाना नहीं मिला तो वह रोती हुई रात्रि में उसी जगह पर जाती है जहां घास काटती थी और उसी नांग का इंतजार करने लगी। लेकिन रात में नांग नहीं आया, क्योंकि उसका समय था वो दिन में ही आता था। जिस जगह पर नांग को दूध पिलाती थी उसी जगह पर एक बरगद का विशाल का पेड़ था, और उसी बरगद के जड़ के पास में बुढ़िया बैठ जाती है और पूरी रात उसी बरगद के जड़ के पास में बैठ करके व्यतीत कर देती है। दोस्तों सवेरा होता है, दिन निकलता है, रोज की तरह समय अनुसार वह नाग वहीं पर आ जाता है, और जब नाग वहां पर आता है तो बुढ़िया को नहीं पाता है। नाग इधर उधर देखता है तो नाग की नजर पहुंचती है कि बरगद के पेड़ के जड़ के पास में वह बुढ़िया रो रही है, सिसक रही है। नाग बुढ़िया के पास में पहुंच जाता है और कहता है कि बुढ़िया माई क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो तुम। तब दोस्तों बुढ़िया रोते हुए जवाब देती है कि हे नाग देवता, हमारी बहुओं ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, मैं तुम्हारे लिए दूध रोज पिलाने के लिए लाया करती थी, मैं बहुओं से छिपा करके लाया करती थी, लेकिन बहुओं को हमारे बारे में पता चल गया और तुम्हारे बारे में भी पता चल गया। बहुएं कहती हैं कि मैं एक चुड़ैल हूं, डायन हूं, और तुम एक मायावी नाग हो, और सोचती हैं कहीं हम उनके बच्चों को और उनको मार करके न खा जाएं, इसलिए उन्होंने हमको घर से बाहर निकाल दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया, हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटा परदेश में नौकरी करने के लिए गए हुए हैं, मैं क्या करूं। दोस्तों
नांग के लिए बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नांग कहता है कि हे बुढ़िया माई, तुम घबराओ नहीं, तुम हमें अपना बेटा समझो, आज के बाद मैं तुम्हारा बेटा हूं। दोस्तों, नांग की इस तरीका की बात सुनकर के बुढ़िया बड़ा प्रसन्न हो जाती है। नांग कहता है कि बूढ़ी माँ घबराइए नहीं, हमारे साथ चलिए। दोस्तों, नांग आगे आगे चलता है, बुढ़िया पीछे पीछे चलती है। भयानक जंगल में नांग बुढ़िया को ले जाता है और एक आश्रम दिखाई देता है। उसी आश्रम पर बुढ़िया को लेकर के वह नांग पहुंच जाता है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये आश्रम है, ये किनका आश्रम है? तब नांग कहता है कि हे बुढ़िया माई, ये हमारे उन ऋषि का आश्रम है जो भगवान को प्यारे हो गए, उनका देहांत हो गया है। यहीं पर मैं रहता था और वो ऋषि हमें गाय का रोज दूध पिलाते थे, लेकिन गाय भी यहाँ कहीं घूम रही होगी, तड़प रही होगी, अगर वो हमको देखेगी तो जरूर आ जाएगी। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में गाय भी वहां आ जाती है। गाय के थनों में क्या देखती है, बुढ़िया की दूध ही दूध छलक रहा है। तब नांग कहता है कि बूढ़ी माई, इस गाय का आप दूध निकालिए, आप भी पीजिए और हमको भी पिलाइए। दोस्तों, वह बुढ़िया गाय का दूध निकालती है, उस नांग के लिए पिलाती है और स्वयं भी पीती है। नांग कहता है कि मां घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर के इस आश्रम पर रहें और ये गाय हमारे लिए दूध देगी। और यहां ऋषि की एक कृपा है, ऋषि एक अपनी कृपा को छोड़ करके चले गए। बुढ़िया पूछती है वो क्या कृपा है। तब नांग कहता है कि बूढ़ी मां, ऋषि एक कृपा इस आश्रम पर ये छोड़ गए हैं कि यहां अन्नपूर्णा का वास रहता है, यहां किसी भी समय किसी चीज की कमी नहीं रहती, हर समय हर चीज यहां पर उपलब्ध रहती है, आप यहां कुछ भी बनाइए कुछ भी खाइए लेकिन कमी नहीं पड़ती। दोस्तों, ये सुनकर के बुढ़िया बड़ा खुश हो गई और फिर अपने बेटा नांग के साथ में वह बुढ़िया वहीं आराम से रहने लगती है। नांग बाहर घूमने के लिए रोज चला जाता है और शाम को लौट करके आ जाता है और बुढ़िया और वह गाय वहीं पर आराम से रह रहे हैं। गाय चरने के लिए चली जाती है और वो भी शाम को आ जाती है। बुढ़िया बड़े चैन से उस जंगल के आश्रम में रह रही थी। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि नांग जो था वो रोज की तरह जब घूमने के लिए गया लेकिन शाम को लौट करके नहीं आया। बुढ़िया को बहुत चिंता हुई क्योंकि बुढ़िया जब भोजन किया करती थी तो गाय और नांग के साथ में ही बैठ करके भोजन किया करती थी। गाय तो आ गई लेकिन नांग नहीं आया। बुढ़िया इंतजार करने लगी कि हमारा बेटा नांग आता हुआ। बिल्कुल अंधेरा हो गया फिर भी नांग नहीं आया, रात हो गई फिर भी नहीं आया। दोस्तों, बुढ़िया रात भर अपने बेटा नांग का इंतजार करती रही, उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही लेकिन नांग वो लौट करके नहीं आया। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नांग को ढूंढती ढूंढती जंगल में निकल गई, क्या देखा है कि वही उसका बेटा नांग एक पेड़ जमीन पर गिर पड़ा है और उसी की टहनियों में दबा हुआ पड़ा हुआ है। भाग करके बुढ़िया जो थी वो जाती है उन टहनियों के लिए हटाती है और गाय जो थी वो भी मदद करती है, फिर उस नांग के लिए निकालती है। भाई दोस्तों, नांग जो था बुरी तरीका से घायल हो चुका था, उसके चोट बहुत लग चुकी थी। बुढ़िया पूछती है कि बेटा नांग, ये कैसे हुआ? तब नांग अपनी सारी कहानी कहता है रात की कि हे मां, मैं आ रहा था, उसी समय बड़ी तेज आंधी आ गई और आंधी के डर की वजह से मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, लेकिन तेज आंधी से यह वृक्ष गिर गया और मैं भी नीचे गिर गया और इसकी टहनियों से दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं निकल नहीं पाया। मैं सोचता था कि मेरी बूढ़ी माँ इंतजार करती होगी लेकिन मैं निकल ही नहीं पाया, मेरे ये चोट पहुंच गई। दोस्तों, बुढ़िया कहती है कि बेटा नांग, घबराइए नहीं, चलिए मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। घायल नांग को लेकर के बुढ़िया आश्रम पर आती है और कुछ जड़ी बूटियां लेकर के आती है और उसी नांग के ऊपर लेप लगाती है, क्योंकि दोस्तों जंगल था, जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां थी और उस बुढ़िया के लिए जड़ी बूटियों का ज्ञान था। बुढ़िया जानती थी कि कौन सी बूटी किस मर्ज के काम में आती है, इसलिए उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान था। वह बुढ़िया जड़ी बूटियां ढूंढ के लाई और उस पर उसे बना करके लेप लगाया। दोस्तों, धीरे धीरे लेप लगाते लगाते उस बुढ़िया ने नांग को बिल्कुल सही कर दिया। एक दिन नांग जो था वह बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों, इधर समय भी पूरा होने ही वाला था, 21 साल उस नांग के लिए पूरे हो चुके थे जो एक मनुष्य था, 21 साल उस नांग के लिए पूरे हो चुके थे। दोस्तों, क्या देखती है वह बुढ़िया
कि नाग जो है वो धीरे धीरे मनुष्य बनने लगा और थोड़े समय में ही वह नाग अब नाग नहीं रहा, एक बहुत सुंदर राजकुमार बन गया। और जब ये देखा कि हमारा नाग बेटा एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया, राजकुमार बन गया, तब बुढ़िया के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और भाग करके नाग से बने हुए उस सुंदर बेटा के लिए उसने अपनी छाती से लगा लिया। दोस्तों अब तो बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी, कुछ दिन तो उस आश्रम पर रहते हैं। फिर बुढ़िया ने एक दिन कहा कि बेटा चलिए अब तुम्हारे पिताजी के पास में चलते हैं, कहां के तुम रहने वाले हो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुमने बताया था कि मैं एक राजा का बेटा था, चलिए देखते हैं कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुम्हारी माता कैसे है। दोस्तों तब वह नाग बना हुआ बेटा कहने लगा, नहीं मां मैं वहां नहीं जाऊंगा, अरे उस पिता को क्या देखना जिस पिता ने हमको जंगल में फेंक दिया। बुढ़िया ने समझाया नहीं, उस समय तुम नाग थे, हो सकता है नाग के डर की वजह से तुम्हें फेंक दिया, लेकिन अब तुम सुंदर बेटा हो, तुम्हें देख करके तुम्हारे माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए बेटा इस तरीका की बातें मत कीजिए और चलिए हमारे साथ चलिए, तुम्हारे पिता और माता से जरूर मिलेंगे। दोस्तों बुढ़िया की बात को मान करके वह सुंदर बेटा जो नांग था मनुष्य बन गया, अपनी बुढ़िया माई को लेकर के अपनी राजधानी अपने घर के लिए दोस्तों चल देता है। वह सुंदर बेटा अपनी बुढ़िया को लेकर के जब अपनी राजधानी में पहुंचा है, अपने नगर में पहुंचा है, तो क्या देखा है कि वहां के लोगों ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो लोगों ने विचार किया, प्रजा के लोगों ने सोचा ऐसा सुंदर अगर ये राजकुमार हमारा राजा होता तो कितना अच्छा लगता। दोस्तों उस नगर में प्रवेश करते हैं, वहां के लोगों से पूछते हैं कि मैं यहाँ के राजा से मिलना चाहता हूँ, तो वहां के लोग राजा के मंत्री के पास में उन बुढ़िया और उस नाग यानी जो बेटा था उसको पहुंचा देते हैं। महामंत्री के पास में जब बुढ़िया और वह बेटा पहुंचे हैं तो बेटा ने कहा कि हे मंत्री साहब हम यहाँ के राजा रानी से मिलना चाहते हैं, कहाँ है वो राजा रानी। दोस्तों तब महामंत्री कहता है कि बेटा माफ करना, यहाँ के राजा रानी जो है उनकी बहुत हालत खराब है, यहाँ का राज जो है सिंहासन वह सूना पड़ा हुआ है, बेटा तुम उनसे नहीं मिल सकते हो। लड़का ने जिद किया और बुढ़िया ने भी कहा कि नहीं महामंत्री कोशिश करिए कि हमें उनसे मिलवा दीजिए, कहाँ है वो राजा रानी, हमसे क्यों नहीं मिल सकते हैं। तब वह महामंत्री उन बुढ़िया और बेटा के लिए समझाता है कि यह कहानी थोड़ी पुरानी है और 21 साल पुरानी है, 21 साल पुरानी बात है, रानी के गर्भ से एक सर्प ने जन्म लिया था, राजा ने देखा तो राजा बड़ा भयभीत हो गया, रानी के लिए वह सर्प तो प्यारा था क्योंकि माँ के लिए कोई भी बच्चा हो किसी तरीका का भी हो लेकिन प्यारा ही होता है। दोस्तों राजा ने क्या किया कि समाज के लोग प्रजा के लोग क्या कहेंगे कि रानी ने एक नाग को पैदा किया है तो हमारी रानी से ये घृणा करेंगे, हमसे भी घृणा करेंगे, इसलिए राजा ने उस नाग के लिए जंगल में फेंकवा दिया और तब से राजा रानी जो हैं उनका शरीर सूख सूख करके कांटा हो गया और राज सिंहासन को उन्होंने छोड़ दिया, कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं और अपने महल में राजा रानी बुरी तरीका से मायूस होकर के पड़े रहते हैं। दोस्तों लड़का ने जब ये सुना तो महामंत्री से निवेदन किया कि बड़ी कृपा होगी हमें उनके दर्शन करा दीजिए। दोस्तों महामंत्री उस बेटा और बुढ़िया को लेकर के वहीं ले जाता है जहां उस लड़का के माता पिता मायूस होकर के और उसी महल में पड़े हुए थे, बड़े उदास थे, शरीर उनका सूख सूख करके कांटा हो चुका था, आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे, कुछ चिंता में डूबे हुए थे। इधर दोस्तों वह लड़का जाता है और जाकर के जब अपनी माता और पिता के पैर छूता है तो उन राजा और रानी के अंदर एक ऐसा करंट प्रकट हो जाता है, एक ऐसी पावर आ जाती है कि वो उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुमने हमारे पैर छुए हैं और तुम्हारे पैर छूते ही हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ शक्ति आ गई, तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दो। दोस्तों तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताजी मैं आपका बेटा हूं, और रानी से कहता है कि मां मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था, मैं नाग रूप में था, मुझे एक ऋषि का श्राप लगा हुआ था इसलिए मैं नाग बना, लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया, 21 साल का श्राप था, 21 साल पूरे हो गए और आज हम पुनः मनुष्य शरीर में आ गए हैं मां, अब मुझे क्या अपने हृदय से नहीं लगाओगी। दोस्तों क्या हुआ, इतने शब्द सुनने के बाद में वह मां भाग करके अपने बेटा के लिए हृदय से लगा लेती है और उस राजा के लिए भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, राजा रानी ने अपने बेटा को गले से लगा लिया, बार बार पुचकारियां लेने लगे।
दोस्तों उन राजा रानी के अंदर ऐसा लगता था कि मानो उनके अंदर एक पावर आ गई, बहुत ही खुश थे। फिर क्या हुआ कि सारी प्रजा के लिए संबोधित कर दिया कि हमारा बेटा आ चुका है। प्रजा के लोग बड़ा खुश हुए। राजा ने सबके लिए सूचना कर दी कि यही मेरा बेटा राजकुमार अब कल राजगद्दी पर बैठेगा, इसका हम राज अभिषेक करेंगे। दोस्तों वही हुआ। दूसरा दिन होता है, साजे बाजे से राजा ने अपने बेटा यानी राजकुमार का राज अभिषेक कर दिया और वह राजकुमार वहां का राजा बन गया। दोस्तों राजा रानी बड़े खुश थे। इधर जो बुढ़िया थी वह थोड़ा उदास हुई, वह सोचने लगी ये तो अपनी माँ से मिल गया, मैं कहां जाऊंगी। दोस्तों तब उस बेटा ने कहा कि हे बूढ़ी माई, तू हमारी माँ है, जन्म देने वाली ये माँ है और तूने हमें पाला है, मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए हमारी जन्म देने वाली माँ से तेरा दर्जा अधिक है, तू घबरा क्यों रही है, तू यहाँ की आज से राजमाता कहलाएगी। दोस्तों उस बेटा ने, उस राजकुमार ने उस बुढ़िया के लिए वहां का राजमाता घोषित कर दिया। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न थी। और दोस्तों इधर उस बुढ़िया के बेटा कुछ दिनों के बाद में लौट करके जब घर पे आते हैं, अपनी बूढ़ी माँ के लिए नहीं पाते हैं, तब वे अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि हमारी बूढ़ी माँ कहाँ गई है। तब वे पत्नियां कहती हैं कि तुम्हारी बूढ़ी माँ डायन थी, चुड़ैल थी, इसलिए मैंने उसको मार के भगा दिया है। सारी कहानी नागबाली और बुढ़िया की अपने पतियों के लिए वे सुनाती हैं। तब उस बुढ़िया के बेटा अपनी अपनी पत्नियों के लिए एक चांटा मार देते हैं और कहते हैं कि शर्म नहीं आती तुमको, तुम हमारी माँ के लिए चुड़ैल और डंकनी बता रहे हो, कहाँ है हमारी माँ, जल्दी बताओ नहीं तुम्हारी खैरियत नहीं है। दोस्तों उन बहुओं के लिए नहीं मालूम था कि बुढ़िया कहाँ गई, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है, और भगवान की मार में, भगवान की लाठी में कोई आवाज भी नहीं होती है। जब भगवान मारता है लाठी से तो आवाज नहीं निकलती। उन बहुओं के लिए दुख पर ही दुख मिलता चला गया और इतनी परेशानी, इतनी दुखों में घिर गई कि उनके दुखों का बखान अगर किया जाए तो कम है, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से अब भोजन मिल रहा था, उनकी औलाद उनके लिए कष्ट दे रही थी, उनके पति उनको मार रहे थे, अनेक तरह की पीड़ा उन्हें मिल रही थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान इस समाज में होता है, उनके बच्चे भी उनका अपमान ही करते हैं, जो उन बहुओं की दशा बच्चों के द्वारा और उनके पति के द्वारा हो रही थी। इधर दोस्तों बुढ़िया के बेटों को पता चल जाता है कि बूढ़ी माँ जो है वो एक राज्य में एक राजा के यहाँ राजमाता बन चुकी है। तो बेटा बड़ा खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी बूढ़ी माँ बड़े निश्चल स्वभाव की थी और भगवान की पूजा करती थी, भक्ति करती थी, इसलिए इसी जन्म में भगवान ने उसे फल दे दिया और वो एक राजमाता बन गई। ये सुनकर के बेटा बड़ा खुश हुए। फिर वे राज दरबार में जाते हैं और राजा के माध्यम से अपनी बूढ़ी माँ राजमाता से मिलते हैं और राजमाता से कहते हैं कि माँ घर पे चलिए। तब वे राजमाता बुढ़िया कहती है, बेटा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ये भी हमारा बेटा है, मेरा आशीर्वाद है, तो आराम से जाओ और अपनी पत्नी बच्चों के साथ मिलो। दोस्तों आशीर्वाद लेकर के भाई बेटा चले आते हैं। बेटा और बच्चे तो खुश थे, लेकिन उन बहुओं के जीवन में दुख ही दुख आ चुका था, जो उन्हें कर्म का फल मिल रहा था। तो दोस्तों ये थी कहानी एक बुढ़िया और नांग की, जो ये कहानी आपके लिए सिखाती है, अक्सर उन महिलाओं के लिए शिक्षा देती है कि जो स्त्रियां अपने बड़े बूढ़ों से लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, उनका अपमान करती हैं, तो उनकी औलाद उनका भी अपमान ही करती है, उन्हें दुख देती है। और जो घर परिवार की महिलाएं आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, तो उनका भी हाल बुरा ही होता है, जो उन दोनों बहुओं का था। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, उन महिलाओं से, उन स्त्रियों से यही कहूंगा कि आपस में कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से, घर में कलह कलेश करने से घर की सुख शांति हमेशा के लिए जुदा हो जाती है और भयानक दुख घर में आने लगते हैं। इसलिए कभी आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना। अगर जीवन में खुशियां चाहते हो तो आपस में देवरानी जेठानी यानी जो भी महिलाएं घर परिवार में होती हैं वो प्रेम बना करके रहें और अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें, तो समाज में उनकी कीर्ति यश बढ़ेगा और उनकी औलाद के द्वारा भी उनको सम्मान मिलेगा और उन्हें सुख प्रदान होगा। यही कहानी हमारे लिए ये सीख देती है और आपके लिए भी सिखा करके जाती है। तो मित्रों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में।
तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।